झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन साहू ने कहा है कि जल्द वीवी में समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए यूजीसी से मान्यता मिलने वाली है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। 20 नवंबर 2021 को झारखंड में पहली बार झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और महज 1 से 1.5 साल के भीतर इस यूनिवर्सिटी ने झारखंड में अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान बना रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टीएन साहू सर। सर, महज कम दिनों में 1 से 1.5 लाख वक्त जो वर्ष होता है छोटा वक्त होता है, बावजूद इसके पहचान बनी है, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, इसका हम लोगों को माननीय राज्यपाल के द्वारा प्रथम कुलपति के रूप में इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए हम लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया है। हमारे रजिस्ट्रार हैं, हमारे एफओ हैं और सहयोगीगण हैं। ये झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के तहत में चलती है और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रोथ रेट है एजुकेशन का, यहाँ बिलो ग्रोथ रेट है 17%, जबकि और अन्य राज्यों में जो प्रथम तमिलनाडु वगैरह साउथ में 54-55% है। तो ये जो गैप है हमारे बीच में, यहाँ के जो आदिवासी विद्यार्थी हैं, यहाँ के रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको जो ड्रॉप आउट जो होते हैं, उनको कैसे हम उनको एजुकेशन दे सके। तो जो कोर्स चला रहे हैं उसमें अभी जो तकनीक शिक्षा जो हम लोग को वोकेशनल कोर्सेस चला रहे हैं, ये ऑनलाइन चांसलर पोर्टल के माध्यम से इसमें छात्र छात्राएं नामांकन कराएंगे और ये कुल इस सत्र में जो हम लोगों का ये सत्र है, अभी जुलाई से ये सत्र प्रारंभ हुई है, इस सत्र में 31 कोर्स है जो एडमिशन हुआ है जी। क्या राज्य के बाहर के भी लड़कियों ने एडमिशन लिया है जी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ राज्य के बाहर के असम के विद्यार्थी लिए हैं, असम के विद्यार्थी लिए हैं, आपको उड़ीसा के लिए, सारे जगहों से आया है। लैंग्वेज हम लोग उनका असमी लैंग्वेज भी समझ नहीं पाते हैं, वो लोग पूछते। ये पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में के विद्यार्थी यहाँ नामांकन ले चुके हैं। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टीआर साहू साफ शब्दों में कह रहे थे कि पूरे झारखंड के लिए झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक वरदान है, खासकर वैसे बच्चों के लिए, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो समय के अभाव में कॉलेज नहीं जा पाते थे, विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं जा पाते थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ओपन यूनिवर्सिटी तमाम विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक लंबी लकीर खींचने में कामयाब होगा। क्रमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।